हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर एंड मोटर्स, प्रोप्राइडर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। इस देश में बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्ट पर कब्जा करने के लिए कुछ ऐसे पंडित साजिश करते हैं जिसके आधार पर लगता है कि मंदिर के अंदर ईश्वर के डर से बेखबर कुछ लालची लोग भगवान का ही सौदा करने पर आमादा है। ताजा तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली विधानसभा के प्रदेश में विख्यात हरसिद्धि रानगिर मैया से जुड़ी है। जहां माँ हरसिद्धि की मूर्ति खंडित कर चांदी की आंखें चोरी करने के आरोप लगाकर मैया के नाम पर सियासत तेज हुई है। देश में तमाम मूर्ति जो प्राचीन है वो पत्थर की मूर्ति है, उन पर सजावट के दौरान सिंदूर लगाया जाता है। इस मंदिर की मूर्ति में सजावट को लेके अब लड़ाई शुरू हुई है। असल में जो मूल मैया की प्रतिमा है वह काले पत्थर की है जो यहाँ विराजी है। इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, जबकि यहाँ हरसिद्धि माँ के साथ जो 64 योगिनी की मूर्ति विराजी हैं, उनका मैन और चोला उतार कर नदी में विसर्जित किया गया है। मूर्ति से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है और जो 64 योगिनी है हरसिद्धि माता की बगल वाली देवी जी, उनका जो पुराना मैन हो गया था उसको सभी लोगों ने मिलकर उसको उतारा है, नया पुराना वाला, और नया उसका लेपन हुआ सिंदूर का 24 तारीख को। हमारी तो सबकी अलग अलग। इसी को लेके आरोप लगे हैं। मंदिर के पुजारी और अध्यक्ष सीताराम शास्त्री और विनोद शास्त्री ने मूर्ति को खंडित किया है, यह आरोप लगे हैं। साथ ही आरोप लगे हैं कि सीसीटीवी कैमरे में छेड़छाड़ कर 64 योगिनी की मूर्ति को खंडित कर उनकी चांदी की आंखें गायब की गई हैं। यह आरोप अनिल शास्त्री ने लगाए हैं। ये बात यह है कि ये घटना इतवार के दिन की है, 24 तारीख थी और लगभग 9:30 से लेकर 11 बजे के बीच की थी। चौकीदारों के लाने भी मालूम है यहाँ के कि 2 से 3 व्यक्ति आए, सामने वाला गेट खुलवाया, फिर ये वाला गेट खुला, इस गेट को खोलकर कैमरा को डिस्टर्ब करते हुए और जो 64 योगिनी माता की ऊपर का जो गर्दाना था उस गर्दाने के लिए तोड़ा और तोड़ने के बाद में यहाँ से ले गए और ले जाके नदी में विसर्जित किया। लेकिन वो गर्दाना तो उसका मैन का बना हुआ था, वो मूर्ति का ही था, 64 योगिनी माता का ही था। अगर मैन पत्थर का था वो। अगर मैन का था और अगर निकाला था तो ट्रस्ट कमेटी के सभी सदस्य थे और सभी पुजारी थे, उनके सामने बुलाकर क्यों नहीं। असल में यह लड़ाई अध्यक्ष पद के साथ ट्रस्ट को लेकर है। इसमें आरोप बेबुनियाद लगते हैं। मूल प्रतिमा से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, चांदी की आंखें सुरक्षित हैं। मूर्ति तो जो है यथावत है अभी। हाँ। मैन था, निकाल दिया। निकल गया मैन तो मूर्ति के साथ। मेरी समझ से। अच्छा। मूर्ति के साथ कोई भी निकाल दिया और चोला निकाल दिया। अच्छा, मूर्ति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। बता। जब लाइट नहीं होती पहले, बिना लाइट किए जाए तो जे वाली जो आड़ी वाली मूर्ति है जी, कितनी है जी? जे इतना ही है जितनी है जी, चार है। चार में से इतने से वो लगा हुआ। अच्छा। सीमेंट गिट्टी सीमेंट रेता ये कितने समय पहले लगाना? लगभग 7-8 साल हो गिरेगा, गर्मी ज्यादा पड़ रही है। पत्थरा इतने पत्थरा लगा हुआ, इतनी जगह खदरा खुद हो, खदरा खुद के पत्थरा लगा हुआ उनमें कई बार परेशान करो। ठीक।
जो पहले आती जो है। अच्छा और इसमें जो है हाँ। इन पे चूल्हा चढ़ो तो हाँ। बहुत पुरान नंदन महाराज ने वो चढ़ा दो तो मैं छोटी मियाँ कर लगी थी छोटी तो वो फट गाओ कभी नहीं अच्छे से गिरन लगो तो वो अलग कर दो सपनों भी दो को पंडित जी को कि हमें अलग करो यहाँ से दूसरों चूल्हा चढ़ाओ तो चूल्हा बदल दो तो दंडोगन और को मतलब नहीं ना मूर्ति को छेड़ाचारी कर लिया लंगड़े को छेड़ाचारी कर लिया ठीक साथ में मेन और चूल्हा उतार कर मूर्तियों को नया रूप देकर सजावट की गई है। इस पर प्रशासन जांच कर रहा है। मंदिर के पुजारी और अध्यक्ष को हटाने की इस साजिश का यह खेल चलता रहता है। यहाँ के पंडों का खेल यह कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आई हैं, जब माँ हर्षिद्धि की ओट में कुछ पंडित घिनौना खेल खेलते हैं। ये रानगिर मंदिर से एक आवेदन आया था, उसमें ये लिखा था कि मंदिर के स्वरूप में परिवर्तन किया गया है। तत्काल मौके पर राजस्व निरीक्षक और पटवारी को भेजा गया था, तो उन्होंने उसका जो वस्तुस्थिति देखी उसमें उसकी फ़ोटो भी क्लिक की है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हमें दिख रहा है फ़ोटो में, पर वो अभी हम उसकी कंफर्म नहीं कर सकते उसके बारे में, क्योंकि अभी तक जांच नहीं की गई है। क्योंकि तहसीलदार इस ट्रस्ट के सचिव भी हैं, तो अभी तहसीलदार यहाँ पर नहीं है, एक दो दिन में यदि आ जाते हैं तो हम इसकी एक अलग से जाँच कराएँगे। मंदिर की समिति के जितने ट्रस्टी हैं जितने सदस्य हैं उनके सभी के कथन लिए जाएंगे कि आखिर ये कैसे हुआ है, इसके बाद ही जो कार्रवाई होगी वो इसके संबंध में कोई इसके संबंध में अभी मुझे जानकारी नहीं है और ये जांच में ही पता चल पाएगा। थैंक यू। इन्हीं जैसे लोगों से सनातन धर्म बदनाम हो रहा है, जिसकी अब जांच होनी चाहिए। ऐसे पंडित को दंडित करें जो माँ के नाम पर गंदा खेल खेलते हैं। सत्यनारायण शुक्ला, सागर एक्सप्रेस न्यूज, रानगिर।